अरे एक मिनट, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, कहीं से भी मैं स्टोरी शुरू कर देता हूँ यार। इस गिटारिस्ट की स्टोरी बाद में आएगी, पहले तो मैं घर से निकलूंगा, शुरू करूंगा। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ जी भैया, तो चलिए चलते हैं, आज के दिन की नहीं आज के शाम की शुरुआत करते हैं। आज भी लेट शुरुआत हुई है और चलिए इंट्रो देते हैं। सबसे पहले हेलो हाय नमस्ते सलाम जैकी बंदे का नाम, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसिन जैकी। कैसे आप सब लोग, सब बढ़िया मेरी माने तो सब सही है ब्रो। सूरज चाचू अपने घर जाते हुए और हम अपने घर से बाहर निकलते हुए, कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। लाइफ में ऐसा ही होता है कि कोई जाता है, कोई आता है, कोई आता है, कोई जाता है। और आज भैया हमें काम पड़ गया कि हम बाहर जा रहे हैं निशान सर के यहाँ, तो चलो लेट्स गो। आप थोड़े से नज़ारे एंजॉय करो नागपुर के, हम आपको मिलते हैं डायरेक्ट निशान सर के घर पे, लेट्स गो। हाँ जी, तो मैं अभी जा रहा था तो अपने पुराने दोस्त पराग सर हमें मिले हैं और वहाँ पे गाड़ी सुधार रहे हैं अपने। अजय सर, हाय सर, यो, द मोस्ट स्टाइलिश मैन इन द वर्ल्ड ऐसा बोल सकते हैं। नहीं नहीं, स्टाइलिश मैन ये है नहीं, कोई स्टाइलिश नहीं। कल हम मेकओवर करने वाले हैं, पूरा मेकओवर होगा, पूरा मेकओवर होगा और वो व्लॉग अपन कल शूट करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ी बातें करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जी अभी मैं वहाँ पे हूँ जहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, अपने मतलब ये तो इतना सा था, मैं छोटा सा ही था, और यहाँ से मैंने अपने रेडियो की शुरुआत की थी, रेडियो यहाँ से सीखा था और यहाँ से जाके अभी अपन जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो यहीं के देन है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है ऑसम होता है। तो दिखाता हूँ कहाँ पे मैं काम करता था, क्या कुछ करता था, ठीक है, लेट्स गो। हाँ जी, दिस इज़ आर स्टूडियो जहाँ पे मैंने अपने पहले रेडियो की प्रैक्टिस की थी। आप देख रहे हो कितना प्रोफेशनल बना के रखा है। ये देखो, ये साउंड बैरियर्स, साउंड इको नहीं करना चाहिए, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे कंप्यूटर है, पूरा रेडियो का सेटअप बना के रखा है। और यहाँ से अपन ने सीखा था कि रेडियो में कैसे बात किया जाता है यार, कम ऑन यार। और यहाँ पे आके मेरे ऐसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से वही 5 साल पहले आया हूँ और बैठा हूँ, यहीं पे बैठा करते थे हम लोग, रात रात भर प्रोडक्शन किया करते थे, तो बहुत मज़ा आता था। ये व्लॉग में आना नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, ये टीचर है यहाँ पे, ये गिटार सिखाते हैं। जरा दिखा हुए बताओ यार अपने बारे में, जरा बताओ, अक्षय नाम है इनका। और आओ 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 इधर, अरे आओ यार, कम ऑन यार, इतना क्यों शर्माते हो और मेरे मेरे व्लॉग में आने के लिए शर्माया मत करो यार। ऐसा मत करो यार, मतलब अच्छे से तो भी करो, मैं आऊंगा तो भी ऐसा मतलब थोड़ा सा। अरे अच्छे दिख रहे हो यार, कम ऑन यार, हमारी जो जनता है ना वो सबको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि हमारी जनता बोलती है सब सही है ब्रो। क्या बोलती है? सब सही है ब्रो, सब सही है ब्रो। और राइट, तो मैं आपको दिखा दूं कि आप यहाँ पे रेडियो के साथ साथ आप यहाँ पे बढ़िया से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना कि अगर नेचर के बीच में हम लोग आते हैं ना, तो नेचर के बीच में क्या होता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाता है। सो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं रेडियो की स्क्रिप्टिंग करने के लिए, इस छोटे से टेरिस गार्डन में आते हैं, बहुत ही बढ़िया सा गार्डन है। देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, मछलियाँ हैं, और यहाँ पे अगर स्क्रिप्टिंग करेंगे कितना मज़ा आएगा, और साथ ही साथ ऐसे झूला झूलेंगे कितना मज़ा आएगा, झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। झूले ने बचपन की यादें ताज़ा कर दी, मज़ा आ गया। लेकिन ये जो लड़का शर्मा रहा था ऐसा करके, वो गिटार भी अच्छा बजा लेता है, यही वो लड़का जिसकी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ। आई फाउंड द गिटारिस्ट।
वाह वाह, इसका गिटार सुनकर मुझे ये लग रहा है कि अपन तो कुछ भी नहीं प्ले करते यार, कम ऑन यार, आई फाउंड द गिटारिस्ट, इसको मैं अपना गुरु बनाऊंगा, इससे मैं गिटार जरूर सीखूंगा, मस्त बजा रहा था ना। वैसे आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल का व्लॉग में मिलते हैं सुबह 8 बजे, आपको तो पता है सुबह 8 बजे अपने व्लॉग्स आते हैं, कितना भी कुछ हो जाए अपन मेहनत कर रहे हैं, व्लॉग्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ आ रहे हैं देख रहे हैं तो जाइए मत, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, ताकि YouTube को भी लगे कि भाई वीडियो को रिस्पॉन्स है, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं। मिलता हूँ कल अगले व्लॉग में, तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का, कहने का सब सही है ब्रो, अडियोस अमिगोस बूम। All right, तो अभी मैं जा रहा था तो हमारे पुराने दोस्त आने साथ में आने पर एक्टिंग में अच्छे नहीं है, तीन लोग रहे तो बच जाते ना का। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से नाते जोड़े रब से लाके छोड़े सबसे आगे, जिंदगी की इस दौड़ में जो भागे वो ही राजा।